हेलो गाइस, मैं हूँ मीतू राठौर और आप देख रहे हैं रीशम बाई मीतू। आज मैं लेकर आई हूँ पनीर टिक्का की रेसिपी, और ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो वेट वॉचर्स हैं और सोचते हैं कि हम अपनी वेट लॉस जर्नी में पनीर टिक्का को नहीं खा सकते। लेकिन हम यहाँ पे कुछ थोड़े से चेंजेस करके पनीर टिक्का को बनाएंगे तो हम अपने पनीर टिक्का को अपनी वेट लॉस जर्नी में ले सकते हैं। तो किस तरीके से बनाया, चलिए जान लेते हैं। हमने यहाँ पे पनीर को क्यूब्स में काट लिया है, लगभग उसी साइज़ में हम सारी सब्जियों को काट लेंगे, जैसे कि कैप्सिकम, अनियन एंड टमाटो। इन तीनों को अच्छे से क्यूब्स में काटना है और बड़ा बड़ा काटना है, जिससे कि जब हम इसको अरेंज करें स्टिक्स में तो ये बहुत आसानी से अरेंज हो जाए। अब हम इसका बैटर बना लेते हैं मैरिनेट के लिए। तो इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल में हंग कर्ड लिया है, आप थिक कर्ड भी ले सकते हैं। और साथ में मैंने डाला है यहाँ पर 1 चम्मच बेसन, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, साथ में मैंने धनिया पाउडर डाला है। अगर आप अचारे टिक्का खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे सौंफ पाउडर भी डाल दें। अब मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाली है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि एक अच्छा सा थिक पेस्ट बन जाए। अब हम इसमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे 1 चम्मच। मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सरसों का तेल वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा तेल का यूज़ हमें यहाँ पे नहीं करना है। साथ ही मैंने थोड़ा सा कलर देने के लिए हल्दी डाली है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी सब्जियों को इस बैटर में डाल देंगे और अच्छे से कोट करेंगे, और हम इसमें पनीर नहीं डालेंगे अभी, क्योंकि अगर पनीर अभी मिक्स करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो सबसे पहले हम अपनी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे और बहुत अच्छे से कोट करेंगे, और जब ये अच्छे से कोट हो जाएंगे तब हम अपने पनीर को इसमें डाल देंगे और फिर उनको केयरफुली कोट करेंगे, जिससे वो टूटे भी ना और कोट भी हो जाए। और जब ये अच्छे से कोट हो जाएगा तो हमें 30 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है, और उसके बाद हम इसका पनीर टिक्का बनाएंगे। 30 मिनट के बाद ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा, अब हम इसका पनीर टिक्का बनाएंगे। पनीर टिक्का बनाने के लिए मैं यहाँ पे पनीर टिक्का जो स्टिक्स आती हैं वो यूज़ करूँगी। अगर आपके पास स्टिक्स नहीं है तो आप टूथपिक्स भी यूज़ कर सकते हैं और उससे पनीर टिक्का बना सकते हैं। अब हम अपनी सारी सब्जियों को पहले अरेंज करेंगे, क्योंकि पनीर को हम बिल्कुल किनारे पर अरेंज नहीं करते हैं, जिससे कि वो निकल जाए। पनीर थोड़ा सॉफ्ट होता है तो वो उसको स्टिक से निकलने का डर रहता है, तो पहले हम सब्जियाँ अरेंज कर देंगे। मैंने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का यूज़ किया, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर ले सकें, और साथ ही पनीर हम उतना ही यूज़ करेंगे जितना कि हमारे वेट लॉस के लिए सही है। तो आपकी जर्नी में आप 30 ग्राम तक तो पनीर आराम से यूज़ कर सकते हैं, तो आप अपना जो पनीर टिक्का है वो आसानी से बना सकते हैं घर पर, और इस तरीके से आप अपनी सब्जियों को पनीर को अरेंज करके घर पर बहुत आसानी से पनीर टिक्का बना सकते हैं। अब हम सारी स्टिक्स को इसी तरीके से अरेंज कर लेंगे, और जो साइड्स होते हैं उनमें हमें सब्जियों को, बीच में हमें पनीर को ही सेट करना है, क्योंकि पनीर निकले ना बाहर। अब हमारी इसी तरीके की सारी स्टिक्स तैयार हैं। आप चाहें मिनी जो टिक्का होता है उसको भी बना सकते हैं टूथपिक के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे 3 तरीके से बना के दिखाया है, और साथ में आप 2 तरीके से उसको रोस्ट कर सकते हैं, या तो आप ग्रिल पैन में यूज़ कर लें। अगर किसी के घर में ग्रिल पैन नहीं है तो नॉर्मल नॉन स्टिक तवे पर भी उसको अच्छे से रोस्ट कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे तवा ले लिया है और उसको पहले गरम कर लिया था, और थोड़ा सा हमने तेल को ग्रीस कर लिया है, और उस पर अपने पनीर टिक्का स्टिक्स को रख दिया है, और इस तरीके से हम पलटते हुए उनको सेकेंगे। बहुत मीडियम हीट पर हम उसको सेकेंगे और पलटते रहेंगे जब तक कि वो अच्छे से रोस्ट ना हो जाए सब्जियाँ और पनीर। ऐसे ही हम सारे पनीर टिक्का स्टिक्स को रोस्ट कर लेंगे, और हमारा जो पनीर टिक्का है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसे सर्व करेंगे थोड़े से प्याज, थोड़े से चाट मसाला और नींबू के साथ में। साथ में लेंगे हम हरे धनिए और आम की चटनी, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और गाइज, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। और अगर आप बनाएं तो इसकी पिक लेके मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करें, या फिर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें।